नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो हमारे उन छोटे भाइयों के लिए है जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आरआरबी की तैयारी करते हैं, या फिर छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको जीके से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जीएस नहीं पूछा जाता है बल्कि आपको जीके पूछा जाता है। और जीके को पढ़ने का तरीका किसी का होता है कि कूद कूद कर पढ़ते हैं, कभी भारत में सबसे महत्वपूर्ण कौन से फैक्ट हैं उसको पढ़ते हैं, कभी विश्व के रेफरेंस में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं, और कहा जाए सच में तो पढ़ते नहीं बल्कि वो रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको कुछ अन्य तरीके से, एक अलग तरीके से अपनी बातों को समझाने का प्रयास करूँगा कि आप अपने जीएस के सेक्शन को या जीके के सेक्शन को किस तरह से तैयार करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग सबसे पहले जीके में किन किन सेक्शन को शामिल किया जाता है इसकी बात कर लें तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे कि आखिर आपको जीके या जीएस के सेक्शन में क्या क्या शामिल किया जाता है, आपको क्या पढ़ना होता है, और मुख्य रूप से जीके और जीएस में डिफरेंस क्या होता है कि आपको जीएस पढ़ना होता है या फिर आपको जीके पढ़ना होता है। एयरफोर्स और नेवी में आप देखते हैं कि आपका एक सेक्शन सिलेबस में दिया होता है जनरल अवेयरनेस का, यानी सामान्य जागरूकता का, हम लोग उसी के अंतर्गत बात करेंगे। आप जानते हैं कि सामान्य जागरूकता में हमें बेसिकली पूछा जाता है जीके के सवालों को, जीके पूछा जाता है, और कुछ लोग इसी को जीएस के रूप में देखते हैं। तो हम लोग आज जीके और जीएस या फिर जीए की बात करेंगे। जीए को हम लोग जीके के रूप में भी देखते हैं, हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमें इस सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को शामिल करना होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं संविधान को, जिसको हम लोग भारत का संविधान कहते हैं या फिर राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरे सेक्शन पे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वो होता है भूगोल। तो भूगोल में आप मुख्य रूप से तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप विश्व का भूगोल, एक पढ़ते हैं आप विश्व का भूगोल, दूसरा आप पढ़ते हैं भारत का भूगोल, दूसरा पढ़ते हैं भारत का भूगोल, और उसके बाद पढ़ते हैं आप पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस इसको कहा जाता है, पर्यावरण अध्ययन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होता है भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? भारतीय इतिहास। और इतिहास में भी आपको क्या क्या पढ़ना होता है? प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, और फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इन संविधान, भूगोल और इतिहास के बाद जो हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है वो होता है आपका सामान्य विज्ञान। क्या होगा? सामान्य विज्ञान। वैसे तो आपके सिलेबस में फिजिक्स अलग से है लेकिन सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि आता है सामान्य विज्ञान में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है तो आप आंसर क्या बताएंगे? कि विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन वो आप किस में पढ़ेंगे? तो वो भी आप सामान्य विज्ञान में पढ़ेंगे। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं जो कि आप फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सामान्य रूप में ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सामान्य विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन अगर एयरफोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर आपको ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़नी होती है, उस पर बेस न्यूमेरिकल्स आपको भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल पर जब पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स के सिलेबस में आएगा, लेकिन सामान्य विज्ञान में हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी, यानी कि कोई भी अगर बात है जो संविधान, सॉरी, विज्ञान से जुड़ी है तो वो हम सामान्य विज्ञान में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण आता है, इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आखिर हम
सब्जेक्ट का नाम भी बड़ा गलत तरीके से ले लेते हैं। कुछ लोग आपको इसको अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, बट वो अर्थशास्त्र नहीं होता है, वो होता है अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। आपको सिर्फ भारत की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है और भारत की इकोनॉमी से संबंधित आप देखते हैं परीक्षाओं में, अगर आपने परीक्षाओं को अटेंड किया है तो आपको ये आइडिया होगा कि इकोनॉमी से संबंधित सवाल आपको अब बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, और जो पूछे भी जाते हैं तो उन सभी चीज़ों को कहाँ से रिलेट किया जाता है, तो ये आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछा जाता है, यानी करंट के डाटास क्या हैं उसके बारे में आपसे जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप सामान्य विज्ञान अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर संविधान, भूगोल और इतिहास पढ़ेंगे। तो एक ये ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको मैं जीके को भी थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहूँगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसी ने किया था तो किया था, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होना है। संविधान सभा बनी थी तो बनी थी, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर महान्यायवादी आज कोई है तो कल को कोई और हो सकता है, प्रधानमंत्री आज कोई है तो वो कल को कोई और हो सकता है, तो ये थोड़ा सा चेंजेबल रहता है, ये वेरिएट करता है समय के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भूगोल में सामान्य तौर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि कुल विश्व में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन 8वां महाद्वीप का भी कॉन्सेप्ट आया जीलैंडिया के रूप में, तो वो कहा जाता है कि भूगोल भी थोड़ा सा बदल गया। अक्सर आप सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापा गया, तो उसमें भी कभी कभी आपको चेंज देखने को मिल जाता है, और ये भी क्या होता है, चेंजेबल आपका सेक्शन हो जाता है। लेकिन इतिहास जो है वो आपका पूरी तरह से क्या है, ये स्टैटिक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संविधान में भी परिवर्तन आपको 50-50 देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी में भी अगर देखें तो 10 और 90 का रेशियो रहता है चेंज और न चेंज होने का। सामान्य विज्ञान में भी आप देखते हैं कि चेंज बेसिकली नहीं होता है, लेकिन जब इसमें आप सामान्य विज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि हर दिन नई नई खोज होती है, तो वो भी साइंस टेक में आता है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो ये तो हमेशा और हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। इसमें एक बड़ा और अच्छा टॉपिक होता है, सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर डे बाय डे जो भी आपके आसपास में, आपके पर्यावरण में चीज़ें घटित हो रही हैं, वहाँ से संबंधित आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें हमेशा परिवर्तन भी होता रहता है। तो ये करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हमेशा परिवर्तित होती हैं। और आपके एयरफोर्स के अगर हम 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इस 30 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि आपको 6 से 7 सवाल तो आपको यहाँ से मिल ही जाता है। तो 6 से 7 सवाल भी आपके लिए बहुत मायने रखता है कि अगर करंट अफेयर्स और इकोनॉमी, चूँकि ये हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो आपको इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब आप जो रटने की कोशिश करते हैं कि विश्व का पहला प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी, या फिर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इस तरह के सवालों को आप रटिए नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी आपका जो मेंटल लेवल होता है इस स्तर पे हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रट करके और बहुत दिनों तक उसको रख सकें। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक कॉन्सेप्ट, एक कहानी आपको बनाने की, और उस कहानी के बेस पर ही आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको समझने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, अगर आप रटते हैं तो आप भूल जाएंगे। चूँकि हम जब रटना शुरू करते हैं, हम याद करना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें हमें भूलती ही भूलती हैं। भाई आप एक सीधा सा एग्जांपल समझिए कि रास्ते में पड़ने वाले ब्रेकर को, आप जिस रास्ते से बार बार आते हैं जाते हैं, उस ब्रेकर को आप नहीं भूलते हैं, आँख बंद करके भी आप जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको फील होने लगता है कि हाँ ब्रेकर आने वाला है। हम उसको तो नहीं रटते कि यहाँ फला जगह पर ये ब्रेकर आएगा,
तो फिर भी वो याद होता है। तो इसलिए क्यों याद होता है? क्योंकि आपने उसको रटा नहीं है, बल्कि वो क्या है, आपके डेली रूटीन में वो प्रैक्टिस में आ गया है। तो यहाँ पर चीज़ों को, चूँकि ये सामान्य सा ये टॉपिक नहीं है, ये बड़ा है और आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है कि फार्मूला लगाया और इस आधार पर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ चीज़ों को आपको समझना भी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपको समझना ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे आपको रटना भी होगा, लेकिन रटने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम लोग फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई कोड नंबर आपको बताई जाए, कोई कहानी आपको बताई जाए, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक उसको याद रख सकें। तो इस तरह से हम लोग पूरा, अब आपको ये देखना है कि कूद के आपको नहीं पढ़ना है। हम पहला स्टार्ट करते हैं संविधान। संविधान से जितनी भी फैक्ट आप याद रखने की कोशिश करते हैं उसको हम एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे और संविधान की हर चीज़ों को आपको क्लियर करवा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग भूगोल की चर्चा करेंगे। भूगोल में हम लोग विश्व के भूगोल में क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर भारत के भूगोल में पर्यावरण में क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पढ़ाने का तरीका आपके लिए कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि मैं आपके बीच में रहा हूँ, आपको समझा हूँ, आपके मेंटल लेवल को समझा हूँ, आपकी तैयारी करने के तरीके भी मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर तरीके से, एक सही सुनियोजित ढंग से अगर आपको चीज़ें पढ़ाई जाएँ तो आप बहुत अच्छे से उसको तैयार भी कर लेते हैं, चूँकि आप ग्रोइंग पीरियड में होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कोशिश करनी है कि अपनी हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और जो चीज़ें बच जाएंगी समझने और पढ़ने से, तो वो चीज़ें क्या होंगी, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिर रट भी लेंगे। यहाँ पर हमारा सीधा फंडा यही होगा कि चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इतनी चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग आप फॉलो करते रहेंगे तो 30 में से आप मान के चलिए कम से कम आप 25 तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। 25 क्वेश्चंस अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर ले जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके बाद बचता है करीब 20 क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है। हमारे पास ऐसे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे साथ में जुड़ने वाले सर लोग हैं, कि आपको इंग्लिश भी आपको ऐसी पढ़ाएंगे जो कि आप 20 में से, यकीन मानिए कि उनका दावा है कि 18 क्वेश्चंस भी आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, 17-18, और कभी कभी उनके पढ़ाए हुए 20 क्वेश्चंस तक भी आपके सीधे सीधे नोट से पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस केवल हम लोगों को आप फॉलो करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसके बदले में हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो शुल्क के रूप में आपसे वसूला जाता है तो मुझे वो नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको वास्तव में ऐसे वीडियो और ऐसे सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए आपके सामने आया हूं कि चीज़ें आपको बिना किसी पैसे के, बिना किसी परेशानी के, आप घर बैठे भी अगर चाहें तो अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको कस्टमर नहीं बल्कि आपको देश का रक्षक बनने की ज़रूरत है। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।